क्वेश्चन नंबर वन, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क मेघ, ख आसमान, ग सुरेश, घ नीरज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन क मेघ। क्वेश्चन नंबर टू, जिस प्रकार बुद्धिमान का मतलब चतुर होता है उसी प्रकार मूर्ख का मतलब होगा क चालाक, ख अज्ञानी, ग तृप बुद्धि, घ प्रवीण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ख अज्ञानी। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए सिल्वर जोन ओलंपियाड से क्लास फोर्थ के सैंपल पेपर एंड सिलेबस लेकर आई हूँ। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले चलिए इसके सिलेबस देख लेते हैं। क्लास फोर्थ में सिलेबस में आपका आ जाता है भाषा ज्ञान से चैप्टर्स हैं आपके, इसको हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। स्वर व्यंजन वर्तनी सुधार, शब्द भंडार, शुद्ध अशुद्ध शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जोड़े मिलान, सम विषम शब्द, इनसे 6 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन मार्क्स फ्री रहते हैं। इस प्रकार 18 मार्क्स के इस इकाई से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा व्याकरण हो जाता है। व्याकरण में आपका आ जाता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और विलोम शब्द, इससे 12 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो इस प्रकार 36 मार्क्स के इस सेक्शन से क्वेश्चन रहते हैं। एंड नेक्स्ट आपका हो जाता है कारक, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, इससे जो है आपके टोटल मिलाकर जो है ये सेक्शन आपका व्याकरण का हो जाता है। टोटल से 12 क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है तार्किक क्षमता, जिससे अपठित गद्यांश, अपठित पदांश, शब्द वाले संबंध वाले शब्द, तार्किकता, व्यावहारिक हिंदी, इससे 7 क्वेश्चंस रहते हैं। कुल 3 मार्क्स के पर क्वेश्चन, इस प्रकार 21 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। और विशेष योग्यता में स्कॉलर जोन, जो अभी हमने ऊपर में सिलेबस देखे हैं ये सारे सिलेबस, इन्हीं से कुछ हायर थिंकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे 5 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स 25 के। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या जो रहती है कुल 30 रहती है और मार्क्स जो है 100 मार्क्स का रहता है। और इनकी टाइमिंग जो रहती है वो आपकी टाइमिंग रहती है 40 मिनट्स। देखिए ये टाइमिंग क्या है, कुल संख्या जो है कुल प्रश्नों की संख्या 30 और इसकी अवधि 40 मिनट रहती है। यहाँ पर भी देखिए पाठ्यक्रम दिया गया है, जैसे सम विषम शब्द, मुहावरे, जोड़े मिलान, शुद्ध अशुद्ध शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कारक चिन्ह का प्रयोग, संबंध वाले शब्द, स्वर व्यंजन, तार्किकता, वर्तनी, व्यावहारिक हिंदी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारे आपके जो पीछे हमने देख रखे हैं वो सारे सिलेबस हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिन में तारे दिखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क दिन के समय में तारे दिखना, ख अचानक मुश्किल आ जाना, ग अधिक बुद्धिमान होना, घ चालाकी से काम करना। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ख अचानक मुसीबत आ जाना। बिरबल कौन था? क मंत्री, घ चिकित्सक, ग व्यापारी या घ जुलाहा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन क मंत्री, बिरबल मंत्री था। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहूँगी, सिल्वर जोन ओलंपियाड के सारे सब्जेक्ट के मैंने क्लास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के क्वेश्चंस एंड सिलेबस अपने चैनल पर डाला है। तो अगर आपका बच्चा इन सभी क्लास में से किसी भी क्लास में हो और आप जानना चाहते हैं कि सिल्वर जोन ओलंपियाड का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस और सैम्पल पेपर कैसा है, तो आप उसे एक बार अवश्य चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज हमें गर्मी देता है और चांद हमें क्या देता है? वर्षा, सर्दी, गौ पानी, गौ शीतलता। सूरज हमें गर्मी देता है और चांद हमें शीतलता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहन के पति को क्या कहते हैं? क जेठ, ख दामाद, ग जीजा, घ देवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन क जीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? क जो कड़ी मेहनत करता है, ख जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है, ग जो कम मेहनत करता है, और घ जो काम से जी चुराता है।
करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ख, जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है उसको हम कोल्हू का बैल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, 8 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। निम्न वर्णों में से स्वर वर्ण कौन सा है? क अ ख क ग ख घ ग। तो निम्न वर्णों में से स्वर कौन सा है? तो निम्न वर्णों में से स्वर जो है हमारा और स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण वो कहलाता है जो किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्ण देखिए यहाँ पर हमने आपको अलग से लिख कर बताया है, स्वर वर्ण बगैर किसी वर्ण की सहायता से उच्चारण होने वाली वर्णात्मक ध्वनि या शब्द जैसे अ आ ई उ ए ए ओ औ अंग अ, ये सारे स्वर वर्ण। जैसे हम इसको उच्चारण कर रहे हैं तो देखिए अ आ, इससे कोई भी सहायता नहीं ली जा रही दूसरे वर्ण से, तो ये हमारे स्वर वर्ण हो गए, तो आंसर हमारा हो गया अ। तो चलिए ये हम देख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया क। 9 आंसर में निम्न वर्णों में से व्यंजन कौन सा है? तो व्यंजन चलिए अभी हम देख लेते हैं कि व्यंजन किसको बोलते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण वो होता है ध्वनि या शब्द जिसके उच्चारण के लिए किसी स्वर के व्यंजन की जरूरत होती है। जैसे क, क मैं बोल रही हूं तो क्या हो रहा, क क के साथ अ आ रहा है, ख ग सब में अ आ रहा है, तो ये सारे जो है क से छत्र ज्ञ तक जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन वर्ण होते हैं, और अ से अह तक के वर्ण जो होते हैं स्वर वर्ण होते हैं। तो इसमें क्या हो गया आंसर क, ओ आई ये क्या हो गए आपके स्वर वर्ण हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? क कपड़ा, ख मेज, ग भोजन या घ कुर्सी। करेक्ट आंसर हो जाता है भोजन, भोजन के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। कपड़ा, मेज और कुर्सी, उसके बाद आता है भोजन, आंसर इसका हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और साथ ही नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट्स भी मैं लेकर इसमें आई हूँ क्लास फोर्थ के लिए। इससे पहले मैंने कंप्यूटर, मैथ्स और इंग्लिश के वीडियो डाल चुके हैं क्लास फोर्थ के, और हिंदी है। इसके अलावा नेक्स्ट अदर चैप्टर्स भी आप इसमें बने रह सकते हैं। थैंक यू।